सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे काफी दिनों के बाद फाइनली। तो या आ, तो आज के वीडियो में लेके आऊँ आप लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में क्राफ्टेबल डंजन्स। तो उन लोगों को पता होगा कि माइनक्राफ्ट के नॉर्मल वाले वर्जन में कोई भी डंजन्स देखने को नहीं मिलते जिसको हम लोग जाके एक्सप्लोर कर सके। तो तुम लोग को देखने को मिलने वाले क्राफ्टेबल डंजन्स, जिसके अंदर तुम लोग क्राफ्ट कर सकते हो डंजन्स को और काफी सारे लूट को ऑब्टेन कर सकते हो इन डंजन्स की मदद से। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर बजा देना सके और वीडियोस पाने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना एड ऑन को एंड सिंपल कर देना एक्टिव अपने एक्सपेरिमेंट्स को। तो यहां पे मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स एक्टिवेट कर देता हूं एंड यहां पे रिसोर्स पैक में जाना, माय पैक में जाना, यहां पे तुमको मिल जाएगा डंजंस, यहां पे मिल जाएगा तुमको डंजंस क्राफ्टिंग, जिसको कर देना तुमको एक्टिव एंड यहां पे कर देना वर्ल्ड को क्रिएट। तो अभी देखो अपना वर्ल्ड हो चुका है क्रिएट एंड अभी तुम लोग सबसे नीचे मैं जाकर दिखा देता हूं क्या क्या तुमको डंजंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तुमको इसमें तीन तरह की देखने को मिलेगी, यहां पे तुमको हार्ड, नॉर्मल एंड ईजी की देखने को मिलेगी एंड इसके साथ तुम लोग देखने को मिलने वाली है चार तरह की चेस्ट, एक कॉमन चेस्ट, एक अनकॉमन, एक रेयर चेस्ट और एक लेजेंडरी चेस्ट। तो चार तरह के चेस्ट एंड एक मिलेगा तुमको यहाँ पे एक अल्टर का कुछ इस टाइप का चीज। अब इसका यूज बताऊंगा, सबसे पहले तुमको यूज करके दिखाता हूँ कॉमन चेस्ट। अब ये कॉमन चेस्ट को खोलने के लिए तुमको टैप करना है, जैसे तुम इसको टैप करोगे यहाँ पे तुमको कुछ कॉमन चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे तुम कॉबलस्टोन, वुड एंड यहाँ पे आयरन और गोल्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे ही तुम लोग करोगे अनकॉमन चेस्ट को तो यहाँ पे तुमको गोल्ड वगैरह से ज्यादा एमराल्ड देखने को मिल जाएंगे एंड कहीं जैसे तुम लोग रेयर चेस्ट को खोलोगे तुमको यहाँ पे डायमंड देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे लेजेंडरी चेस्ट में लेजेंडरी आइटम्स देखने को मिल जाती है। तो कहाँ पे कौन कौन सी चीज आ सकती है और भी तो चेकआउट कर लेना। अब बताता हूँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुमको करना है वॉल्ट अल्टर को क्राफ्ट एंड वॉल्ट अल्टर को क्राफ्ट करने के बाद एक की लेना है तुमको। मैंने यहाँ पे इजी की ली है एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा डंजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरी तरह से डंजन क्रिएट हो चुका है एंड अभी इसके डंजन के अंदर हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, अनचेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड काफ़ी सीक्रेट जगह भी होगी। एंड एक बात याद रखना, अगर तुम लोग क्रिएटिव में खेल रहे हो तो तुम लोग जैसे ही डंजन को क्राफ्ट करके जाओगे इसके अंदर तुम लोग अपने आप ही सर्वाइवल में आ जाओगे, ठीक है? तो ये बात याद रखना, तुम लोग जब भी खेलोगे तब भी तुम लोग जब भी क्रिएटिव में क्यों ना रहो तुम लोग का वर्ल्ड अपने आप ही यहाँ पे सर्वाइवल मार जाएगा डंजन के अंदर। आप चाहो तो डंजन के अंदर जाकर क्रिएटिव कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारा डंजन क्राफ्ट होने का जैसे तुम वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए वहाँ पे तुम्हारा अपने आप ही सर्वाइवल हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस टाइप का इजी डंजन है, कुछ इतना बड़ा रहने वाला तुम लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप से बेडरॉक से घिरा हुआ पूरी तरह से बना हुआ है एंड ये सारे डंजन शायद नीचे जाने का भी कोई रास्ता होगा तो मैं खोजा नहीं, तुम लोग कर लेना एक्सप्लोर पूरी तरह से डंजन को। अभी देखते हैं नॉर्मल की से क्या होता है। यहाँ पे नॉर्मल की मैंने लगा दिया है यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके नॉर्मल वाले यहाँ पे पहुंच चुके डंजन के अंदर एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्राफ्ट हो चुका अपना डंजन एंड कुछ इस टाइप का लुक है इसका एंड ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। देखो यहाँ पे आइस वगैरह की बनी हुई है एंड अलग टाइप का यहाँ पे बना हुआ है एंड इसके अंदर भी तुम लोग चेस्ट देखने को मिल जाएगी काफ़ी अलग टाइप की, जैसे आप देख सकते हो रेयर चेस्ट एंड कॉमन चेस्ट यहाँ पे रखी हुई है एंड यहाँ पे तुम लोग देखने को मिलेगी और भी चार तरह की चीज़ें। तो थोड़ा करना की कोशिश करना कि थोड़ा इसको दूर जाकर स्पॉन करो वरना तुम्हारे अनकॉमन एंड यहाँ पे ईजी एंड नॉर्मल तुम लोग दोनों का डंजन एक जैसा मिक्स हो जाएंगे। एंड देन आता है अपना थर्ड वाला डंजन के ऊपर जो कि हार्ड वाला डंजन एंड इस हार्ड वाले डंजन में तुम लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। जैसे ही तुम लोग इसको सर्वाइवल में आ जाओगे तुम लोग देख सकते हो एंड इसमें बहुत बार तुमको आग में तुम गिर सकते हो ये डंजन, ऑफ कोर्स तुम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करना है, तुम लोग ज्यादातर चांसेस होंगे इसमें तुमको आग के गिरने का, तो एक काम कर सकते हो तुम लोग अपने ऊपर एक फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन किल कर लेना एंड देन उसके बाद तुम लोग जाना है हार्ड वाले डंजन के अंदर, जिसके अंदर तुम लोग जलने से तो बच जाओगे कम से कम। एंड देख सकते हो मैं आग लग चुकी है एंड यहाँ पे हमारा पोशंस, यार पोशन मेरा कहाँ चल गया, देख लो पोशन हट गया, खत्म हो गया अचानक से एंड तुम लोग देख सकते हो पोशन हट जाता है यार, पूरी तरह से पोशन भी हट जाता है, इसलिए एक पोशन ही लेके चल जाना तुम फायर रेजिस्टर का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लगी हुई है ट्रैप वगैरह भी एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे को पॉइजन वगैरह मिलने जा रहा है एंड यहाँ पे लेजेंडरी चेयर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर लेजेंडरी आइटम देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो काफ़ी सारे खतरे हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम लोग एक्सप्लोर करने के लिए इस लेजेंड यहाँ पे हार्ड वाले डंजन के अंदर एंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है। तो होप आर्मर के साथ ही आना वरना तो यहाँ पे बिना आर्मर का आ गया हूँ, मैं मतलब का यार बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है एंड डंजन को पार करना। देख सकते हो यहाँ पार्कोर वगैरह भी है जिसके अंदर तुमको पार करके काफ़ी बड़ा डंजन है तुम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड तुम लोगों को भी बता देता हूँ कि इसको तुम लोग क्राफ्ट कैसे कर सकते हो इन सभी डंजन को, क्योंकि तुमको क्राफ्ट करना पड़ेगा एंड क्राफ्टिंग रेसिपी तुम लोग को बता देता हूँ। देन आराम से तुम लोग इसको आराम से किसी टाइम भी क्राफ्ट कर सकते हो क्योंकि तुमको कहीं से ऑब्टेन कर नहीं सकते। तो सिंपल तुमको क्राफ्ट करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे ये वॉल्ट को क्राफ्ट करने की रेसिपी एंड बाकी ये कीज़ को तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे डायमंड एंड यहाँ पे किस टाइप की तीन तरह की चीज़ को कुछ इस टाइप से रेसिपी से क्राफ्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में पसंद नहीं, अगर तुम लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पिक करके बजा देना सर की और वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, अभी तक अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के वीडियो में पसंद नहीं, मिलते गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।